हरियाणा विधानसभा निर्वाचन में समस्त एक्जिट पोल आकलन और विरोधी दलों दावी भूल प्रमाणित होता और एठारे बीजेपी विजयलाभ कर तृतीय थर निमंत सरकार गठन करवाचन में जालियाती कांग्रेस अभियोग कांग्रेस मुख्य निर्वाचन कमिशन द्वारस्थ भी होते तेज कांग्रेस अभियोग को निराधार त्रुटिपूर्ण और तथ्यविहीन अभियोग दर्शाई कमिशन खारज कर यापरे कांग्रेस उपरे बीजेपी जोरदार बर्षि हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कहते कांग्रेस सबुबले मिछर सहारा नहीं था से निज काम भोट मागंती ना हरियाणा 26 विधानसभा आसन में भोट गणति में जालियाती होता नहीं कांग्रेस अभियोग कर कांग्रेस तो झूठ का सहारा लेकर के चलती है और उन्होंने वो फैसला जो दिया है वो लोगों की भावनाओं का फैसला था। माननीय चुनाव आयोग ने जो कांग्रेस के उस झूठ को नकारा है क्योंकि कांग्रेस लगातार झूठ का सहारा लेकर के वो कहीं ना कहीं लगी रहती है कि हमें कामों के ऊपर तो वोट नहीं मिलता, झूठ से अगर वोट मिल जाए तो लोगों का शोषण कर लें। आज सभी लोग उसको जान चुके हैं, कांग्रेस का जो झूठ है अब वो बिकने वाला नहीं है। मैंने कहा भी था कांग्रेस ने इस प्रकार का यहां पर मोमेंटम खड़ा किया, कांग्रेस आएगी वही कांग्रेस आएगी, रहा कहां आएगी कांग्रेस, कहीं दिखाई तो दे नहीं रही थी। परंतु इनके कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको ये नजर आ रहा था अभी कांग्रेस है, उनको तो नजर आएगा। मेरे को लोग पूछते थे, लोग कहते थे मेरे को, कहा बड़ी हवा चल रही, वहां कोई हवा नहीं चल रही, ने कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ने गर्मा बैठ का कह रहेगा कांग्रेस आएगी कांग्रेस आएगी, कहा कांग्रेस आएगी। कांग्रेस तो तब आए ना जब इन्होंने कोई काम किया हो, काम तो किया लूटने का देश को, भ्रष्टाचार किए, घोटाले किए, लोगों को लाइन में खड़ा किया, चार चार दिन में गैस का सिलेंडर मिलता था, उसको तो भूल गए कांग्रेस के नेता, कहा कांग्रेस आएगी। अपनी कमजोरी नहीं देखते, अपने कमजोरी को छुपाकर अपने नेता बचने के लिए ठीकरा फोड़ते हैं चुनाव आयोग पर। एकदम चुनाव आयोग ने सही निर्णय कहा है और कहा भी है जिस समय चुनाव चल रहा हो उस समय आप ऐसे भ्रमित टिप्पणी करके क्या संदेश देना चाहते हो। भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराता है और उस पर टिप्पणी करना, तो देखो ये तो ये कांग्रेस का चरित्र ही रहा है। अपने विवेकहीन युवराज की महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है और आज दो दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सर पर बोल रहा है और विवेकहीन नेता पार्टी और देश दोनों के लिए लायबिलिटी बन चुके हैं। जदि आपंक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।